अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। हम आज अपना मुतालिया पाकिस्तान का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, नज़रिए का मफहूम बयान कीजिए, नीस नज़रिए के माखज़ और अहमियत पर रोशनी डालिए। आज हम इसका नज़रिए के मफहूम तक काम करेंगे। जवाब है, नज़रिया बरसग़ीर में पाकिस्तान के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का काम क़याम 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या, यानी कि पाकिस्तान 20वीं सदी में जो था मंजर आम पर आया था, जिसके पस मंज़र में एक मजबूत नज़रिया कार फरमा था। नज़रिए की अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि इंग्लिश में इसको आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। नज़रिए की तारीफ़, लफ्ज़ नज़रिए की तारीफ़ और मानी के लिहाज से रोज़े अव्वल इसे समाजी दानिशवरों के दरमियान इख्तलाफ राय मौजूद रहा है। मुख्तलिफ अदवार के अरबाब फ़िक्र दानिश और मुहक्किकीन ने इसे अपने अंदाज में बयान किया है। कहता है कि स्टार्ट से ही जो था नज़रिए के लोग, हर लोग अपने हिसाब से उसका एक मतलब रखते थे और बहुत से लोगों ने इसको बहुत तरीक़ों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है बयान किया है। मायने के लिहाज से नज़रिए से मुराद सोच या मकसद है, कि जबकि इस्तिलाही मायनों में नज़रिए की तारीफ इस तरह की जा सकती है। नंबर 1, किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच फिक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है नज़रिया कहलाता है, यानी कि कोई भी पिक्चर जो हम अपने दिमाग में किसी चीज़ के लिए सोचें उसको कहते हैं नज़रिया। नंबर 2, किसी भी मकसद के हसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नज़रिया कहलाता है। नंबर 3, किसी ख़ास मकसद के लिए किसी कौम की इज्तमाही सोच का एक बात पर मुत्तफिक हो जाना भी नज़रिया कहलाता है। ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके इसके हसूल की कोशिश में आमादा करे नज़रिया कहलाती है, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी नज़रिया कहलाता है किसी का। नज़रिया वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया। नंबर 5, इसकी तारीफ़ की गई है वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे, नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमुआ है जिस पर किसी कौमी तहजीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं। ये कौम की फितरी नशोनुमा के अमल में मदगम भी हो सकती है। नज़रिया डॉक्टर जॉर्ज ब्रास आम जिंदगी का कोई ऐसा प्रोग्राम लाया अमल जिसकी बुनियाद फ़िक्र फ़लसफ़ा पर इस्तवाल हो आइडियोलॉजी कहलाती है। ये जो डेफिनेशन है कि आम जिंदगी का कोई ऐसा प्रोग्राम लाया अमल जिसकी बुनियाद फ़िक्र फ़लसफ़ा पर इस्तेमाल हो आइडियोलॉजी कहलाती है, ये डॉक्टर जॉर्ज ब्रास ने दिया था। नेक्स्ट है नज़रिए का मफहूम। नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाबता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा तफक्कर पर रखी गई हो, या मुख्तलिफ पहलुओं मसलन सियासी मआशरती और तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए या कोई लाया अमल बनाया गया हो उसको भी हम नज़रिया कहते हैं। ये नज़रिए का मफहूम है। आज का लेसन हम यहाँ तक करेंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो हिस्सा है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।